ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप वाक्य सिद्धि हेतु तारा साधना कर सकते हैं। कई दर्शकों ने हमसे अनुरोध किया था कि तारा साधना के विषय में उनको ज्ञान दें, किस प्रकार से वह तारा साधना द्वारा वाक्य सिद्धि हासिल कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलने में झिझक महसूस करते हैं, कई लोग अपनी ऐसी प्रक्रिया में फंसे हुए हैं जो कि उनको भाषण देना होता है या कई लोगों से मिलना जुलना होता है और वह ठीक से नहीं दे पाते क्योंकि उनकी वाक्य शक्ति कमज़ोर है या वह बहुत लोगों के बीच बोलने में डर जाते हैं, भाषण देना हो तब भी डर जाते हैं कि इतने सारे लोगों के सामने कैसे बोलूं। इन सारी समस्याओं का हल है माँ तारा की साधना। माँ तारा साधक की बुद्धि को तेज कर उसे वाक्य सिद्धि प्रदान करती है और ये साधना मोहिनी साधना के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इस साधना से जहाँ एक तरफ आपके अंदर बोलने की शक्ति उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी तरफ आपकी वाणी में एक आकर्षण पैदा हो जाता है जिससे कोई आपकी बात को टाल नहीं पाता। अतः एक साधक को अपने जीवन में यह साधना एक बार अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह साधना तो माँ तारा का वरदान है अपने भक्तों के लिए। तो चलिए जानते हैं अब इसकी विधि, किस प्रकार से आप माँ तारा की साधना कर सकते हैं वाक्य सिद्धि हेतु। यह विधि बताने से पहले मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार की चमत्कारी वीडियो आपके सामने उपलब्ध होती रहे। विधि को ध्यान से सुने, जानकारी को स्किप ना करें क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो विधि में कमी हो सकती है और आप इस साधना से हाथ धोकर बैठ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी विधि के बारे में। यह साधना किसी भी बुधवार की रात्रि से आरंभ की जा सकती है और इसका समय होता है रात्रि में 10 बजे के बाद। साधक को लाल वस्त्र धारण कर लाल आसन पर बैठना चाहिए और अपना मुख पूर्व या फिर उत्तर की ओर रखना चाहिए और सामने एक लकड़ी के बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर अपने गुरु का चित्र स्थापित करें, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसका चित्र स्थापित करें और साथ ही गणेश विग्रह का या चित्र या फिर उनका यंत्र और तारा यंत्र भी स्थापित करें। विधि आरंभ करने से पहले अपने गुरु का पूजन करें। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो एक माला गुरु मंत्र की जाप करें। उसके बाद गणेश पूजन करके माँ तारा के यंत्र को पंचोपचार पूजन करें। भोग में कोई भी मौसमी का फल बिना काटे अर्पण कर सकते हैं। तिल के तेल का दीपक अपने समक्ष जगाएं और 5 अगरबत्ती लगाएं और उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि माँ, मैं ये साधना वाक्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, आप मुझ पर अपनी कृपा करें। फिर संस्कारित सफटीक की माला से मूल मंत्र की 21 माला का जाप करें। यह साधना 21 दिनों तक आपने रोजाना दोहरानी है और ध्यान रखें आपकी जो सफटीक की माला है वह संस्कारित होनी चाहिए। अगर आपको माला का संस्कार करना नहीं आता तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमारी एक वीडियो बनी हुई है कि माला का संस्कार किस प्रकार करते हैं, या फिर हमसे संस्कारित माला भी प्राप्त आप कर सकते हैं। और आखिरी दिन जाप के बाद हवन सामग्री में ज्यों और घी मिलाकर कम से कम 108 आहुति दें, या इससे ज़्यादा भी दी जा सकती है। जिस प्रकार आप जानते हैं दशांश हवन किया जाता है मंत्र साधना के उपरांत, दशांश हवन उसको कहते हैं जितनी संख्या आपने मंत्र जाप की है उसका 10वां भाग दशांश हवन के रूप में किया जाता है। इस तरह यह साधना संपन्न होती है। साधना के मध्य में ही साधक को अपनी वाणी में हो रहे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा गुरु चरणों में मन लगाएं।
अब जानते हैं उस दिव्य मंत्र के बारे में जिसका जाप आपने रोजाना 21 माला करना है 21 दिनों तक रात्रि 10 बजे के बाद। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, मंत्र एक बार ध्यान से सुन लेते हैं। ओम नमः पद्मासने शब्द रूपे एम ह्रीन क्लीन वद वद वागवादिनी स्वाहा। इस प्रकार आपने मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले रोजाना जब भी आप मंत्र को शुरू करेंगे अपने गुरु के मंत्र का एक माला जाप करेंगे, अगर आपने गुरु से मंत्र लिया हुआ है तभी, अन्यथा जो जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उसके बाद गुरु पूजन करके गणेश पूजन करके तभी आप इस मंत्र का जाप प्रारंभ करेंगे। मंत्र जाप में ध्यान रहे आपके सामने से कोई गुजरे नहीं और गौमुखी में माला को लेकर इसका जाप करें। तो मित्रों इस प्रकार से 21 दिनों के भीतर आपको इसका आभास शुरू हो जाएगा और 21 दिनों के बाद आपकी साधना पूर्ण होगी। अगर इस साधना के विषय में कोई और जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। इसी तरह की अन्य साधना विधि जानने के लिए सब्सक्राइब करें ओम नमो नारायण यूट्यूब चैनल को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।